शिक्षा की अलख जगाने वाले शिक्षकों की यह समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें बच्चों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया गया है या फिर शिक्षा से दूर का वास्ता नहीं रखने वाले कार्यों के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि शिक्षकों को बच्चों को शिक्षा देने तक सीमित नहीं रखा जा रहा है, उनसे गैर शैक्षणिक कार्यों को करवाना बंद नहीं हो रहा है। समय समय पर सभी शिक्षक संगठन गैर शैक्षणिक कार्यों को जो शिक्षकों पर प्रशासन थोपता आ रहा है उसका विरोध भी जता रहे हैं, तथा विरोध को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखें, पर पालना अभी नहीं हो रही है। कर्मचारियों का विकल्प उपलब्ध होते हुए भी सभी प्रशासनिक अधिकारी कोई भी ड्यूटी हो शिक्षकों को ही लगाने से पीछे नहीं रहते हैं। वैसे तो आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2008 में एक निर्णय भी दिया हुआ है कि शिक्षकों की ड्यूटी शिक्षण कार्य चल रहा हो उसके बीच में नहीं लगाई जावे। अवकाश के दिनों में शिक्षकों से चुनाव जैसे कार्यों की ड्यूटी ली जा सकती है। वहीं प्रशासन अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के भी बीच का रास्ता ढूंढ निकाला है, तथा चुनाव कार्य संपादित करवाने के लिए शिक्षकों को BLO नियुक्त करते समय उस आदेश में एक लाइन जोड़नी शुरू कर दी है कि वे अपने विद्यालय समय के बाद BLO का कार्य करेंगे, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे कि कहावत सही बैठ जाए, आदेश की पालना भी हो जावे और काम भी चल जावे। पर शिक्षक संघों की पीड़ा यह है कि कर्मचारियों का विकल्प उपलब्ध होने पर भी प्रशासन अधिकारी फिर शिक्षकों को ही BLO नियुक्त करने में दिलचस्पी क्यों दिखाते हैं, उनकी यह पीड़ा हमेशा ही बनी रहती है। शिक्षक संगठनों का यह आरोप भी सही प्रतीत होते नजर आता है। जैसे हम हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो जिले में 1276 मतदान केंद्र स्थापित हैं। इन मतदान केंद्रों पर 850 BLO शिक्षक नियुक्त है, जबकि दूसरे विभागों के 426 मात्र कर्मचारी ही BLO लगाए हुए हैं। यानी ड्यूटी अनुपात में कितना अंतर है। ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों के अलावा अन्य विभागों के कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। सब कुछ उपलब्ध है, विकल्प आसानी से उपलब्ध है। पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं। उधर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के पदाधिकारी संजय धारणिया तथा राजस्थान प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हंसराज बिसू ने प्रशासन पर सीधा आरोप लगाया है कि प्रशासन जानबूझकर प्रत्येक ड्यूटी में शिक्षकों को लगाकर परेशान करता आ रहा है। इनका यह भी कहना है कि पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी तो प्रशासन के नज़दीक रहता है, तथा प्रशासनिक अधिकारी भी इनके प्रभाव में रहते हैं, इसलिए इनकी ड्यूटी BLO में नहीं लगती है। अब देखने वाली बात होगी कि सर्वोच्च न्यायालय के 2008 के निर्णय तथा मुख्य सचिव के नवीन आदेश और शिक्षक संगठनों के ज्ञापन पर प्रशासन कितना अमल कर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखता है। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।